किसान आंदोलन में उत्तर प्रदेश का मुख्य चेहरा बने राकेश टिकैत के ऊपर स्याही फेंकी गई है और साथ ही साथ हमला करने की कोशिश की गई है। कुछ वीडियो सामने आ रही हैं जिन वीडियो में देखा जा सकता है कि किसान आंदोलन का किसी वक्त पर बड़ा चेहरा रहे राकेश टिकैत पर किसान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही स्याही फेंकी गई। दरअसल घटना बेंगलुरु की है। बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे राकेश टिकैत और वहां पहुंचे थे। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत पर एक शख्स ने स्याही फेंक दी। वो बेंगलुरु के गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और साथ ही साथ एक स्टिंग ऑपरेशन का हवाला दे रहे थे। स्टिंग ऑपरेशन दरअसल एक किसान नेता को लेकर है जो कि वहां का लोकल नेता है। उसका नाम कोडिहल्ली चंद्रशेखर बताया जा रहा है। उसके खिलाफ एक निजी चैनल ने हाल ही में एक स्टिंग ऑपरेशन कर इस बात का दावा किया था कि किसान आंदोलन के नाम पर चंद्रशेखर पैसों की उगाही कर रहे हैं। आपको बता दें, हाल फिलहाल की बात की जाए तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि चंद्रशेखर के जो समर्थक हैं उन्हीं ने दरअसल राकेश टिकैत पर हमला किया है। गांधी भवन में राकेश टिकैत जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस पर सफाई देने के लिए राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह आज बेंगलुरु गए थे और गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी बीच एक शख्स आता है और उसके ऊपर स्याही फेंक देता है। पूरे मामले में स्याही फेंकने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। चंद्रशेखर के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया है गांधी भवन के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में। और आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि चंद्रशेखर के अलावा किसान आंदोलन की अगर बात की जाए तो राकेश टिकैत का बायकॉट भारतीय किसान दल भी कर चुका है। हाल ही में बड़ी खबर सामने आई थी जब राकेश टिकैत को अलग कर भारतीय किसान यूनियन ने एक नई यूनियन बनाई थी जिसका नाम रखा गया था किसान भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक, यानी कि राजनीति से वो प्रेरित नहीं होगी। इस बीच भी कई बड़े आरोप और संगीन आरोप राकेश टिकैत पर लगे थे, लेकिन अभी बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि बेंगलुरु में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, अपने आप को निर्दोष बताने के लिए राकेश टिकैत पहुंचे थे, वहीं उनके ऊपर स्याही फेंकी गई है। किसान नेता राकेश टिकैत पर कॉन्फ्रेंस के दौरान ही ये सब देखने को मिला है। पुलिस ने इंक फेंकने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया है और गांधी भवन में किसान नेता राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस वक्त कर रहे थे उस बीच एक शख्स सामने से आता है और उनके ऊपर स्याही फेंक देता है। हाल फिलहाल राकेश टिकैत ने कहा है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी वहां की राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की है। गौरतलब है कि किसान आंदोलन के बाद जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन ने बायकॉट किया है किसान नेता राकेश टिकैत का, उसके बाद वो लगातार अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वही राकेश टिकैत हैं जिनके साथ किसी समय पूरे देश के किसान जुड़े थे, लेकिन अब नौबतिया आ गई है कि उनके ऊपर स्याही फेंक कर उनका विरोध किया जा रहा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।